हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय बाई अभिमन्यूस एंड इन सी ईयर सीरीज टू डेज आवर टॉपिक इज डायरेक्शन सेंस यस डायरेक्शन सेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक से दो क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन सेंस में से बिकॉज अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप 2014 के अंदर एक क्वेश्चन था डायरेक्शन सेंस में से इन 2015 थाउजेंड फिफ्टीन देर क्वेश्चन टू वर टू क्वेश्चन देर वॉज वन क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्शन सेंस दैट मीन्स कि एक से दो क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इस बार भी और डायरेक्शन सेंस एक सिंपल टॉपिक है थोड़ा सा लॉजिकल आपने सोचना है उसके बाद में डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं एग्जाम के अंदर कि हाँ जी स्किप करने का कोई आ, चांस बनता ही नहीं है कि जी हम उसको स्किप करें ओके okay? तो अभी एक बार मैं आपको डायरेक्शंस के बारे में हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद में हम प्रीवियस के क्वेश्चंस करेंगे ओके? टोटल फोर डायरेक्शन अभी फोर डायरेक्शन जो मेन डायरेक्शंस है फोर डायरेक्शन है दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ और इन फोर डायरेक्शन से फोर डायरेक्शन आपके और जनरेट हो जाती हैं कौन सी हाँ जी टू ये होगी और टू आपके पास में यहाँ पे होगी दिस इज नॉर्थ ईस्ट यस दिस इज नॉर्थ वेस्ट दिस इज साउथ ईस्ट एंड दिस इज साउथ वेस्ट ओके यस अभी जो ध्यान देने वाला पॉइंट है वो ये है कि अगर हम मूव कर रहे हैं अगर हम नॉर्थ फेसिंग है यस yes, अगर हम नॉर्थ फेसिंग है जो छोटा सा पॉइंट है इसको आप नोट डाउन करेंगे अगर आप नॉर्थ फेसिंग हैं, इन दैट केस यस अगर हम कहें कि राइट अगर राइट के अंदर मूव किया है पर्सन ने तो राइट किधर होगा अपने पास में दिस इज राइट डायरेक्शन एंड दिस इज लेफ्ट ओके बट वैन वी आर नॉर्थ फेसिंग ओके बट वैन यू आर साउथ फेसिंग यस अगर आप साउथ फेसिंग है इन दैट केस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अब देखिए जैसे अभी मैं इधर हूं तो अभी मेरा ये वाला हैंड इधर है राइट हैंड ठीक है ना अगर मैं इधर फेस कर लेती हूँ तो राइट हैंड की डायरेक्शन चेंज हो गई सेम वही है कि अगर आप साउथ फेसिंग है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे ऑपोजिट हो जाएंगे जो राइट है दैट विल बिकम लेफ्ट एंड द लेफ्ट है वो हो जाएगा राइट कब जब आप साउथ फेसिंग है बस छोटे से चार पॉइंट है ये जल्दी से नोट डाउन करेंगे उसके बाद में हम क्वेश्चन पे आते हैं साउथ फेसिंग ओके क्लियर सेम वे अगर हम बात करते हैं नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग के बाद ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग की तो अगर आप ईस्ट फेसिंग है यस yes, हम ऐसे हैं ईस्ट फेसिंग है इधर है ईस्ट फेसिंग है अब ईस्ट फेसिंग है तो मैं कहती हूँ कि भाई हमें लेफ्ट के अंदर मूव करना है राइट के अंदर मूव करना है तो अगर राइट में मूव करना है और आप ईस्ट फेसिंग है इन दैट केस राइट किधर होगा आपका जो डाउन है दैट विल बी राइट ओके और अपने पास में लेफ्ट कहां पे होगा लेफ्ट ये हो गया आपके पास में लेफ्ट डन अगर आप क्या है कि वेस्ट फेसिंग है तो वेस्ट फेसिंग है दैट मीन्स की फेस इधर चला गया फेस इधर चला गया तो ऑब्वियसली अगर फेस चेंज हो गया तो डायरेक्शन लेफ्ट राइट भी चेंज हो जाएगा तो अगर इधर है देन राइट डायरेक्शन क्या होगी अब जो अगर आप जाते हो देन दिस इज द राइट डायरेक्शन एंड दिस इज लेफ्ट बस अगर ये चार पॉइंट्स आपके क्लियर हैं उसके बाद डायरेक्शन सेंस का कोई को, आपका क्वेश्चन नहीं रोक सकता जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए ओके okay. सो so, अभी मेरे साथ में सभी ने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना सो लेट अस स्टार्ट विथ टू थाउजेंड फोर्टीन क्वेश्चन टू थाउजेंड फोर्टीन के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था आप देखिए हाँ जी अब एक और पॉइंट रह गया सॉरी आपके पास में पाइथागोरस थ्योरम, अगर आपके पास में डायरेक्शन के साथ साथ में आपको डिस्टेंस भी पता है डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो अगर हमारे पास में कोई भी इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में कुछ भी बन के आता है इन दैट केस अगर आपके पास में ये लगा लीजिए दिस इज ए बी एंड सी वी नो दिस डिस्टेंस दिस डिस्टेंस एंड वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस अगर हमने ए सी फाइंड आउट करना है तो ए सी कैसे फाइंड आउट करोगे स्क्र रूट ऑफ वट ए बी स्क्र प्लस बी सी स्क्र ओके सेम वे अगर आपके पास में ए सी गिवन है क्वेश्चन के अंदर सोल्व करते टाइम में ए सी आपके पास है आपको ए बी फाइंड आउट करना दिस डिस्टेंस यू वांट टू फाइंड आउट इन दैट केस ए बी इज इक्वल टू व्हाट ए सी माइनस बी सी ओके एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट बी सी इन दैट केस दिस विल बी ए सी माइनस ए बी ओके सो कम ऑन द क्वेश्चन यस क्वेश्चन देखिए अब क्या है लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए नॉर्थ ऑफ ए नॉर्थ अभी मैंने आपको डायरेक्शन बताई है दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ओके हेयर द पॉइंट इज लोकेशन ऑफ बी बी इज नॉर्थ ऑफ ए दैट मीन्स कि ए हमारे पास में कहीं पे यहां पे है साउथ के अंदर क्लियर एंड द लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ एस्ट ऑफ ए अब यहाँ पे इधर ईस्ट है तो ईस्ट ऑफ ए कहाँ पे है अपने पास में सी इज दिस पॉइंट ओके द डिस्टेंस ए बी एंड ए सी आर फाइव किलोमीटर एंड ट्वेल्व किलोमीटर रिस्पेक्टिवली जब भी आपके पास रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज हो रहा है दैट मीन्स की फर्स्ट जो है ए बी की वन है तो ये ए बी का है ठीक है दैट मीन्स की ए बी इज फाइव एंड बी ए सी ए सी इज ट्वेल्व

फाइंड आउट करना है ठीक है जी यस yes, क्लियर तो अब ये वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी मैंने आपको बताया था क्या करेंगे हाँ जी बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर ये हो गया आपके पास 144 फोर्टी प्लस ट्वेंटी डन दिस इज 169 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13 सो दिस विल बी kilometer. किलोमीटर सो आंसर विल बी kilometer किलोमीटर बी जिन जिन candidates का बी आंसर आया उनका बिल्कुल करेक्ट है यस yes, बिल्कुल क्लियर है कोई डाउट इसके अंदर देखो सिर्फ चार points है अगर आपको वो पता है थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आप देखो easy है क्वेश्चन यस लेवल क्वेश्चन का easy है हाँ जी अगर हमें नहीं पता इन दैट केस मुश्किल है ओके okay? यस yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट शाहिद एंड रोहित शाहिद एंड रोहित स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन दे आर टू परसन दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन एक इस डायरेक्शन में जा रहा है एक इस डायरेक्शन में जा रहा है यस क्लियर नाउ आफ्टर ईच वन किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न लेफ्ट शाहिद लेफ्ट के अंदर टर्न कर रहा है दैट मीन कि शाहिद इधर जा रहा है में टर्न कर रहा है वो ठीक है ना तो ये लेफ्ट में गया हमारे पास में और जो तो रोहित है right. ये right में टर्न कर रहा है ईच वन किलोमीटर कह रहा है वो एक वन किलोमीटर के बाद में ठीक है अब देखो अब हम इसको Uh, देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया क्वेश्चन में सिंपल अपने से कहा गया है कि हाँ जी कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन आप बताइए कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ठीक है अब फर्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट कर आफ्टर बोथ हैव ट्रेवल टू किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज फोर किलोमीटर अभी हम देखते हैं कि टू किलोमीटर कवर करने के बाद में वो कहाँ पहुँचते हैं तो टू किलोमीटर की बात करें तो वन किलोमीटर इसने यहाँ पे चला ठीक है अब जब बंदा इधर जा रहा है ठीक है जी दैट मीनस कि ईस्ट फेसिंग है जब ईस्ट फेसिंग है इन दैट केस राइट किधर होगा डाउन होगा ठीक है दैट मीनस कि राइट डाउन हो गया ये वन किलोमीटर चल दिया डन अब दो किलोमीटर चल चुका है ये इसका भी देखते हैं दो किलोमीटर अब ये क्या है वेस्ट फेसिंग है जब वेस्ट फेसिंग है इन दैट केस अब उसने क्या करना है हाँ जी लेफ्ट में टर्न करना है तो उसका लेफ्ट क्या होगा डाउन होगा Yes. ये वन किलोमीटर वन किलोमीटर वन किलोमीटर और वन किलोमीटर अब देखो अब इसने कहा है कि आफ्टर बोथ ट्रेवल टू किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन इज़ किलोमीटर, ये यहाँ पे है ये यहाँ पे तो अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है टू किलोमीटर है दैट मीन्स कि फर्स्ट आपके पास में क्या हो गया रोंग हो गया

अब राइट देखते हैं हमारे पास में हाँ जी ये लेफ्ट में जा रहा था ये राइट में रोहित जा रहा है तो रोहित का देखो राइट क्या होगा यहां से हाँ जी ये यहां से राइट गया तो जब वो साउथ फेसिंग है तो उसका राइट किधर होगा ओपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा तो यहां पे वो यहां पे पहुंच गया वन किलोमीटर के बाद दैट मीनस कि दोनों यहां पे मिल जाएंगे यस दोनों मिल गए यहाँ पे अभी यहां पे देखो क्या था दे मीट आफ्टर ईच ट्रेवल थ्री किलोमीटर थ्री किलोमीटर के बाद में वो फिर मिल जाएंगे तो बिल्कुल सही है दिस विल बी द करेक्ट आंसर ओके बस सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ जी फेस जिधर है वहां से लेफ्ट राइट किधर मूव करना है ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या है टू का क्वेश्चन है ए पर्सन क्लाइंस ए हील इन स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड इन द डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट यस नॉर्थ ईस्ट अब मैंने अभी आपको डायरेक्शन बताई है नॉर्थ ईस्ट कौन सी होगी यस नॉर्थ एंड ईस्ट यही थी ओके okay. अब यहां पे देखिए कह रहा है कि ए पर्सन क्लाइम्स द हिल यहां से उसने हिल पे चढ़ना शुरू किया है तो कैसे जा रहा है वो ऐसे जा रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे जा रहा है दिस इज द पॉइंट ओ एंड दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड रिच इज एट ए पॉइंट ए ए पॉइंट पे पहुंच गया वो डन आगे है आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ फाइव किलोमीटर फाइव किलोमीटर का ये डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ए ही मूव्स पॉइंट बी इन द डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट अब इसका नॉर्थ वेस्ट के अंदर वो जा रहा है हां जी नॉर्थ वेस्ट किधर होगा अब ये पॉइंट है इसको भूल जाओ आप यहां पे यहां से अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ वेस्ट किधर बनता है दिस इज नॉर्थ वेस्ट डन दैट मीनस कि ऐसे जाएगा ठीक है तो ये यहां से नॉर्थ वेस्ट को चला गया ऐसे डन लेट द डिस्टेंस यस दिस इज द पॉइंट बी देन फ्रॉम द पॉइंट ए ही मूव्स बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज ट्वेल्व ए बी इज ट्वेल्व किलोमीटर ये डिस्टेंस ये कितना है ट्वेल्व किलोमीटर है नाउ द क्वेश्चन इज हाउ फार इज द पर्सन अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ओ तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है अब यहाँ पे देखिए दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज बी अब अगर मैं देखूँ इन दोनों को हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं अब मुझे ये बताओ ये नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहा है ऐसे गया है ऐसे गया है अगर ये सीधा जाता तो ये वन एटी डिग्री का एंगल हो जाता है तो ये नाइन्टी डिग्री का एंगल है दैट मीन्स की सिंपल सी बात है दिस इज द बेस हाइट एंड दिस इज दाई पोटिन्यूज ओके okay? तो so, अगर हम यहां पे ओ बी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ओ बी आप कैसे फाइंड आउट करोगे स्कूट ऑफ ट्वेल्व दिस विल बी वन फोर्टी फोर प्लस ट्वेंटी अगेन वन सिक्सटी नाइन का स्क्र रूट आ जाएगा आपके पास में थर्टीन सो थर्टीन विल बी द करेक्ट आंसर ओके हां जी क्या होता है क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है ठीक है मेथड भी कुछ नहीं है जस्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज uh, करने की कोशिश की जाएगी जैसे अब यहां पे नॉर्थ ईस्ट कह दिया वो डायरेक्ट भी बोल सकता था कि हाँ जी ऐसे गए ऐसे गए ये फाइंड आउट करो बट ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा सा आपको uh, ये लगा लीजिए कि हाँ जी थोड़ा लॉजिकली आपको सोचने वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि हाँ जी आपको डायरेक्शन की सेंस है या नहीं है ठीक है ना तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके सो लेट एस मूव टू द नेक्स्ट वन यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन देखिए क्या टू थाउजेंड सिक्सटीन का क्वेश्चन है हाँ जी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इसके अंदर आ, आपकी जितनी भी सी सेट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं ठीक है ना तो वो अभी आपको सभी के सभी जितने जैसे भी लेटेस्ट ले वीडियो आती है तो उसका आपके पास में मैसेज आ जाएगा दूसरा ये है कि अगर जिसने अभी तक ये जो अपने पास में कोर्स है दिस इज़ ए फ्री कोर्स फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सी सेट तो इसको जिसने अभी तक uh, नहीं लिया है कोर्स को तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपको रजिस्टर करना है खुद को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ दिस इज टोटली फ्री कोर्स ओके तो इसके अंदर सभी आपको स्टेप बाई स्टेप मिल जाएंगे और हर एक लेक्चर uh, के बाद में आपको एक टेस्ट भी अवेलेबल होगा और लेक्चर की पी डी एफ भी अवेलेबल होगी ओके okay? Yes. So, question, I think, के, कुछ स्टूडेंट्स का तो हो चुका होगा देखते हैं अभी देखिए क्या ए परसन एक्स वॉज ड्राइविंग इन ए प्लेस वे द रोडर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दैट मीन्स ये कह रहे हैं कि सारे के सारे रोड्स ना ऐसे ही जा रहे हैं या तो ऐसे जाएंगे या तो ऐसे जाएंगे ऐसे कोई भी रोड नहीं जा रहे यस yes. आगे पॉइंट है आपके पास रोड्स आर इन डिस्टेंस ऑफ वन किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर सारे रोड्स वन वन किलोमीटर के डिस्टेंस में दैट मीन्स की पॉइंट्स में वैल्यू यहाँ पे नहीं है अदर इन पैरल ही स्टार्टेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड्स ही स्टार्टेड जो पर्सन है वो कहाँ से शुरू कर रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट से शुरू कर रहा है इस तरह से दो रोड का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये टू रोड्स ड्रो थ्री किलोमीटर नॉर्थ नॉर्थ के अंदर थ्री किलोमीटर गया है रोड सीधा है वन टू एंड दिस इज थ्री तो वो यहां पे पहुंच गया ओके यस नेक्स्ट पॉइंट इज थ्री किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ के अंदर जाने के बाद में वो कह रहा है कि थ्री किलोमीटर कहां पे गया है वो वेस्ट के अंदर हां जी अब यहां से वेस्ट दैट मीनस की

रूट शुड ब्रिंग हिम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इफ सेम रूट इज नॉट रिपीटेड कह रहा है कि जो सेम रूट है वो रिपीट नहीं करना है तो बताओ कि अभी उसको कौन सा रूट लेना पड़ेगा अब देखो उसने यहां पर हमें क्या बताया था कि ग्रिड्स बनी हुई है ना ग्रिड्स बनी हुई है दैट मीन्स की रोड ऐसे है आ, ये जो पॉइंट है एक सेकेंड ऐसे चार देखिए ओके ये ग्रिड्स बनी हुई है रोड्स की हाँ जी इसी तरह से ये रोड ऐसे जा रहा है ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था अभी कहाँ पे है वो इस पॉइंट पर अब कह रहा है कि उसने बाकी वापस जो सेम रूट है वो नहीं पकड़ना दैट मीन्स बट कि अगर वो यहाँ से वापस जाना चाहता है तो वो यहाँ से नहीं जाएगा ये वाला रूट नहीं लेना उसने यहाँ पे जाने के लिए तो बताओ कि वो कौन सा रूट लेगा तो ओबियसली जब यहाँ पे जाना है उसने तो क्या करेगा यहाँ से पहले वो यहाँ पे जा सकता है यहाँ पे जा सकता है ठीक है जी यहाँ पे भी जाने के बजाय अगर वो ऐसे करे कि जब वो यहाँ पे है तो उस टाइम पे वो यहाँ पे आ सकता है हाँ जी यहाँ पे जाने की भी ज़रूरत नहीं देखो मैं आपको रूट्स बता रही समझाने के लिए शॉर्टेस्ट मैं बाद में बताती हूँ देखो वो यहाँ पे आ सकता है ठीक है ओफो जस्ट अ मिनट ये डिलीट हो गया एक सेकेंड अभी सेट कर देते हैं इसको आ, दिस इज़ इस दूट ओके क्या था अपने पास में वो यहाँ पे ऐसे गया इधर गया अपने पास हाँ जी यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे पहुँच गया तीन किलोमीटर और उसके बाद में चार किलोमीटर नीचे आया है चार किलोमीटर नीचे दैट मीन्स कि अभी वो यहाँ पे है अपने पास में ठीक है एंड दिस इज द रोड ग्रिड ओके वन वन किलोमीटर का है डन अब हम बात कर रहे थे कि हाँ जी उसको अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना है तो जब स्टार्टिंग पॉइंट पे वो पहुंचना चाहता है तो क्या कर सकता है इस पॉइंट से हाँ जी ऐसे वापस बैक तो जा नहीं सकता या तो ऐसे नीचे आना पड़ेगा उसको अगर वो ऐसे यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जाता है तो उसका रूट जम्बा पड़ जाएगा अगर वो यहां से सिंपल ऐसे आके ऐसे जाता है तो उसका रूट शॉर्ट रहेगा देखो यहां से ऐसे आया और फिर यहाँ पे पहुंच गया तो उसका शॉर्टेस्ट रूट तो यही पड़ेगा ठीक है ना वापस वो जा नहीं सकता ठीक है अगर यहाँ से नीचे जाएगा फिर यहाँ पे आएगा तो उसको लॉन्ग रूट पड़ेगा तो उसको सबसे शॉर्ट रूट कौन सा पड़ रहा है कि वो यहाँ से यहाँ तक जाए यहां से यहां तक गया कि किलोमीटर टू किलोमीटर थ्री किलोमीटर थ्री किलोमीटर कितना दैट मीन्स कि वन किलोमीटर किधर जा रहा है वो नॉर्थ के अंदर जाएगा हां जी पॉइंट इज क्लियर हां जी सभी को क्लियर है अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ठीक है और आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका लोगों का डाउट क्लियर हो तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है बताइए मुझे देखो ग्रिड्स बनी हुई है वन वन किलोमीटर की रोड की ठीक है तो अब वो यहां से फोर किलोमीटर ऊपर गया है दोबारा से एक बार सुन लीजिए अब कह है? कहता है कि थ्री किलोमीटर नॉर्थ गया थ्री किलोमीटर नॉर्थ दैट कि यहां पे पहुंच गया किलोमीटर ओके एंड देन किलोमीटर वेस्ट गया थ्री किलोमीटर वेस्ट दैट मीन्स की यहाँ पे आ गया उसके बाद फोर किलोमीटर साउथ दैट मीन्स की यहाँ पे आ गया अब वो कह रहा है कि सेम रूट उसने रिपीट नहीं करना और स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है दैट मीन्स की ऐसे नहीं जा सकता वो ठीक है अगर वो नीचे जाता है ऐसे कुछ जाके तो उसका रूट लंबा पड़ जाता है तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा कि वो यहां से यहां तक जाए और फिर यहाँ पे आ जाए। ओके क्लियर? सो आंसर क्या हमारे पास थ्री किलोमीटर ईस्ट एंड किलोमीटर पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है टू थाउजेंड नाइनटीन का क्वेश्चन है 20 अपने घर से निकला ट्वेंटी किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला गया

ए स्टार्टेड फ्रॉम एंड वॉक ट्वेंटी मीटर टुअर्ड ईस्ट ईस्ट की तरफ ट्वेंटी मीटर आ गया वेज फ्रेंड बी जॉइ अब ए यहाँ से चला यहाँ पे ए पहुंच गया तो यहाँ पे उसको उसका फ्रेंड मिल गया कौन बी अब यहाँ पे दोनों है ए एंड बी गेट टूगेदर वॉक टेन मीटर इन द सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन मीन्स की वो ईस्ट के अंदर ही टेन किलोमीटर और चले डन देन

ए लेफ्ट left, left में चला गया वाइल बी टर्न राइट और बी राइट right में चला गया बी डाउनवर्ड चला गया है और वो लेफ्ट में चला गया डल यस अब यहाँ पे देखिए ए लेफ्ट टर्न लेफ्ट वाइल बी टर्न राइट एंड ट्रेवल टू मीटर एंड एट मीटर रेस्पेक्टिवलीट मीन्स की ए ने तो टू मीटर का डिस्टेंस कवर किया और बी ने एट मीटर का ठीक है ए टू मीटर गया है और बी एट

ओके okay, तो यहां से उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि फोर मीटर गया ध्यान से देखे देन बी टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल फोर मीटर फॉलोड बाय फाइव मीटर टू हिज राइट अब यहाँ से इधर चला गया अब वो फिर फाइव मीटर राइट गया राइट दैट मीन की यहाँ से नीचे की साइड फाइव मीटर डन यस क्लियर है स्पेस uh, थोड़ा सा एक मिनट ऊपर ड्रॉ कर देते हैं इसको आपको दिखाई नहीं दे रहा ना यस uh, yes, दिखाई नहीं दे रहा एक मिनट इसको सेट कर देते यस लेट अस स्टार्ट अगेन यहां से ए गया ठीक है दिस इज ट्वेंटी उसके साथ में उसको बी मिल गया दिस इज टेन दिस इज द पॉइंट यहाँ से ए ऊपर चला गया बी नीचे आ गया दिस इज एट ओके ऐसे ही था तो यहाँ से देखिए क्या था हमारे पास में ये टू चला है और ये एट अगेन बी टर्न्स टू द लेफ्ट एंड ट्रेवल फोर अब यहाँ से की तरफ उसने मूव किया है लेफ्ट की तरफ बी ने मूव किया तो बी देखो साउथ फेसिंग है जब साउथ फेसिंग होता है पर्सन तो लेफ्ट किधर जाएगा इधर जाएगा दिस इज फोर ओके एंड देन फॉलोड बाय फाइव मीटर टू हिज राइट टू रीच हिज ऑफिस और राइट के अंदर वो फाइव मीटर चला है राइट अब जब पर्सन का ईस्ट फेसिंग है तो राइट दैट मीन्स की डाउन जाएगा वो फाइव ओके एंड दिस इज हिज ऑफिस दिस इज ऑफिस ऑफ बी दिस इज बीज ऑफिस नाउ इज इट क्लियर ओके अब बी का ऑफिस आ गया अब आगे देखिए और ये यहाँ से ट्वेल्व मीटर चला है ऑफिस के लिए ठीक है जी तो ये इधर से ट्वेल्व मीटर चल दिया डन एंड रीच हिज ऑफिस और अपने ऑफिस में पहुंच गया ये दिस इज ऑफिस ऑफ ए This is office of B. Now the question is what is the shortest distance between these two office in dono office ke beech ka shortest distance kya hoga Shortest distance means what? We want to find out this distance. Okay? अब इस distance को आप कैसे find out करोगे? Again हमें आ, right angle triangle होना चाहिए, उसके according ही हम Pythagoras theorem से find out कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? देखो, अगर मैं इसको इस तरह से लेके चलती हूँ। हाँ जी अब आप देखिए डिस्टेंस बताएंगे मुझे ये आ गया तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा अब ये पूरा ट्वेल्व है हाँ जी ध्यान से देखेंगे ये पूरा कितना है ट्वेल्व है ठीक है अब यहाँ से ये फोर कम हो गया दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस कितना बच गया हमारे पास एट बच गया ठीक है अब अगर हम इधर से देखें तो यहाँ पे आप देखिए टू तो ये है आपके पास में ठीक है एट ये है और फाइव ये है दैट मीन्स कितना हो गया तो टोटल फिफ्टीन हो गया तो फिफ्टीन ही हो गया ट टू फाइंड आउट दिस साइड अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये डिस्टेंस दोनों का स्केंगे दिस इज टू एट्टी नाइन एंड द स्वयर रूट ऑफ टू एटी नाइन इज सेवनटीन सो सेवनटीन विल भी द करेक्ट आंसर ओके हां जी बताइए कोई डाउट इसके अंदर जस्ट ध्यान रखना लेफ्ट में किधर जाना राइट में किधर जाना आपका एक जो भी यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे उसके बेस पे हमने देखना है कि हाँ जी कितना कितना डिस्टेंस अब यहाँ पे ये पॉइंट था ध्यान रखने वाला कि ये डिस्टेंस कितना आएगा दिस इज एट एट कैसे आया टोटल ट्वेल्व था यहाँ से यहाँ तक का ट्वेल्व था ट्वेल्व से हमारे पास में ये देखो ये कितना कितना बन रहा था ये फोर बन रहा था ये वाला ये फोर मैंने माइनस कर दिया ठीक है जब हम इस फोर को माइनस करेंगे तो ये कितना बच गया हमारे पास में एट है आप इसको ऐसे भी ले सकते थे ये देखो ये एट है और ये कितना हो गया देखो टू ऊपर गया एट नीचे टेन टेन और फोर ये सॉरी फाइव ये टेन और फाइव फिफ्टीन हो गया तो फिफ्टीन हमने ये ले लिया ओके यस नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टू का क्वेश्चन है वट इज़ द क्वेश्चन क्वेश्चन इज पी क्यू आर आर थ्री टाउन देर आर टोटल थ्री पी आर द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज सिक्सटी किलोमीटर पी और क्यू का डिस्टेंस है वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज किलोमीटर अभी हम किसी भी पॉइंट को नहीं ले सकते बिकॉज अभी हमें डायरेक्शन नहीं पता है ठीक है क्यों इज इन द वेस्ट ऑफ पी पी की वेस्ट के अंदर क्या है क्यू है अगर ये पी है तो वेस्ट के अंदर क्यो है दैट मीन्स कि क्यों यहाँ पे है ठीक है And R is in the south of P. R ka hape hai, south me hai. This is the direction. Now we can take these points and the distance is already given. P is 60 kilometer, that means this distance is 60 kilometer. Whereas distance of P R is 80 kilometer, that means this distance is 80 kilometer. Now we can easily find out the distance between Q R. How? Yes. Join these two points and Q R will be equal to what? Yes. Square root of what? 60 square. Plus 80 square, and this will be 3600 plus 6400, and this is 100. Okay, so answer will be 100 kilometer. D will be the correct answer. Clear as a biko? Yes. So let us move to the next one. Next question is of 2020. यस yes, का क्वेश्चन है देखिए क्या क्वेश्चन है ए मैन वॉक्स डाउन एंड बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट ट्वेंटी मीटर अब उसने कहा है कि अपने हाउस से बैक साइड से जा रहा है अब हमें उसका फ्रंट नहीं पता तो हम बैक साइड कैसे करें नॉर्थ में जाए ईस्ट में जाए वेस्ट में जाए So, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि उसका फेस किधर है हाउस का। तभी जस्ट स्टेटमेंट को ईस्ट right जी यहाँ पे आपके पास गिवन है क्या कि उसका हाउस क्या है ईस्ट फेसिंग है कि उसका हाउस का फेस इधर है डन अब हम दोबारा स्टार्टिंग से क्वेश्चन पे आते हैं हां जी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है

25 meter and then turns to the right. Right that means ki wo right ke move kar And in 50 meter. 50 meter that means ki 50 meter thoda jyada jayega. this is the 50 meter. Okay. Again. Then he turns towards left. Now he is north facing and he is moving in the left. And again walks 25. 25 that means he is somewhere here. Okay. If his house face to the east what is the direction? फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन क्या है अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन इसके कंपैरिजन में क्या है ये आपको बताना है ठीक है तो यहां से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इसके कंपैरिजन में ये क्या है नॉर्थ ठीक है और ये डायरेक्शन कौन सी है वेस्ट तो क्या हो गया हमारे पास में नॉर्थ वेस्ट सो आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके

इसी की में आएगा ये बिल्कुल यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट बनेगा ठीक है यस देन हाउ फार इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड इन डायरेक्शन कह रहा है कि अब ये बताओ कि ये उसका इनिशियल पॉइंट था ये उसका टारगेट पॉइंट अब ये कह रहा है कि इनिशियल पॉइंट से अभी वो कितनी दूर है और कौन सी डायरेक्शन में तो डायरेक्शन इसके कंपैरिजन में ये देखें तो क्या हो गया हमारे पास में साउथ ठीक है और डिस्टेंस देखें तो कितना हो गया हमारे पास यस yes, टेन ये है और टेन ये है कितना हो गया आपके पास हाँ जी देखो ध्यान से टेन किलोमीटर ये यहाँ से यहाँ तक आया था दैट मींस कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये कितना है टेन और ये वाला जो डिस्टेंस था ये कितना था एट दैट मींस कि कितना हो गया एटीन ओके सो आंसर अपने पास में क्या आ जाएगा एटीन किलोमीटर साउथ सो आंसर विल बी एटीन किलोमीटर साउथ यस क्लियर

इन द मॉर्निंग ध्यान से समझेंगे पॉइंट मॉर्निंग के अंदर सन किधर है ईस्ट के अंदर ठीक है सन है हमारा ईस्ट में तो शेडो की धर होगी यस शेडो द इवनिंग जस्ट बिफोर सनसेट सनसेट से पहले यस yes, अगर हम सनसेट से पहले की बात करें तो सन किधर होगा इधर होगा ठीक है हाँ जी सन आ जाएगा अपने पास में वेस्ट डायरेक्शन के अंदर और जो शेडो है shadow हो जाएगी आपकी ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हाँ जी इज दिस पॉइंट क्लियर बस ये एक छोटा सा पॉइंट है है और इस बेस्ट क्वेश्चन आ जाता एग्जाम के अंदर अब अभी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं अब देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं दो फ्रेंड है एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े डन अब हमें नहीं पता कौन संजू है कौन मंजू है अब उसने क्या कहा है कि इफ मंजूत शेडो अब देखो यहाँ पे One evening just before sunset. That means कि evening का है 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 तो चाहिए ये इधर face है, चाहिए इसका इधर इसका किधर होगी किधर होगी होगी के अंदर दैट मीन्स कि जो शेडो है शेडो तो ईस्ट में ही होगी दोनों की ईस्ट डायरेक्शन में शेडो होगी अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मंजूज शेडो वाज एग्जैक्टली टू हर लेफ्ट साइड अब ये वाली जो साइड है अगर जो पर्सन नॉर्थ फेसिंग है कि यहाँ पे अपने पास में जो मंजू है मंजू की लेफ्ट होगी ये क्या होगी लेफ्ट हो गया उसका अब जो नॉर्थ है पर्सन ठीक है वो कौन हो गया ये यहाँ पे दूसरा पर्सन है संजू

अगेन क्या है क्वेश्चन क्या तो अहमदाबाद तो इज साउथ वेस्ट ऑफ बेंगलोर अहमदाबाद इज साउथ वेस्ट पहले डायरेक्शन दोबारा से मैं करवाती हूं आपको साउथ वेस्ट हां जी ये अपने पास साउथ वेस्ट क्या हो गया ये हो गया ये हो गया नॉर्थ ईस्ट ठीक है जी हां जी ये अपने पास में हो गया ये अपने पास हो गया साउथ ईस्ट ये हमारे पास में हो गया नॉर्थ वेस्ट हां जी क्लियर है ये वाला पॉइंट अभी मैंने आपकी आप लोगों को बताया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डन अब ध्यान से देखेंगे क्या है पॉइंट कह रहे अहमदाबाद इज साउथ वेस्ट ऑफ बेंगलोर साउथ वेस्ट ऑफ बेंगलोर दैट मीन्स कि हमारे पास में कहीं पे इस तरह से कुछ बन रहा है अहमदाबाद इज ये अहमदाबाद है दिस इज साउथ वेस्ट ऑफ बेंगलोर ओके एंड चेन्नई इज टू द ईस्ट ऑफ अहमदाबाद अहमदाबाद के ईस्ट में ईस्ट किधर है इधर जाएगा तो क्या कह रहा है ईस्ट में है कहीं अब ईस्ट तो पूरा ईस्ट है ये कहाँ तक है हमें नहीं पता कहाँ तक है ठीक है तो अभी हम आगे इसको थोड़ा सा रीड करेंगे आगे क्या कह रहे हैं देखो कह रहे कि चेन्नई इज ईस्ट ऑफ अहमदाबाद एंड साउथ ईस्ट ऑफ बेंगलोर साउथ ईस्ट ऑफ बेंगलोर दैट मीन्स कि यहाँ पे इधर कहीं पे लाई करे इसकी मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ ठीक है अब देखो कि जो चेन्नई है चेन्नई अब देखिए यहां से ईस्ट ऑफ चेन्नई नॉर्थ की नॉर्थ ऑफ चेन्नई दैट मींस कि यहां पे कहीं जा रहा है अब हमें नहीं पता नॉर्थ में कहां पे ही होती है ये पूरा ही नॉर्थ है ठीक है बट दिल्ली नहीं पता अभी यहां पे कहां पे है नॉर्थ के अंदर बट यहाँ पे साथ में देखो क्या स्टेटमेंट यूज हुई है डेली इज नॉर्थ ऑफ चेन्नई एंड इन लाइन इन लाइन विद अहमदाबाद एंड बैंगलोर इन लाइन है किससे अहमदाबाद और बैंगलोर अब अहमदाबाद और बैंगलोर से अगर मैं इसको इन लाइन कर रही हूं दैट मींस कि ये इस तरह से कहीं पे बन रही है डन अब ये जो सेक्शन पॉइंट है वो ये है दैट मीन्स दिस इज डेली इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ द क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन ऑफ बेंगलोर इज डेली लोकेटेड डेली लोकेट कर रही है तो अब यहां पे देखो डेली यहां पे लोकेट कर रही है एंड इन कंपेरिजन ऑफ बेंगलोर अगर मैं देखू दिस पॉइंट इज नॉर्थ नॉर्थ में है और बताओ ईस्ट रहेगा या वेस्ट रहेगा दिस इज ईस्ट ऑब्वियसली तो क्या हो गया हमारे पास में ईस्ट तो क्या आ जाएगा आपके पास नॉर्थ ईस्ट सो आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट जी आई होप सभी को सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे हाँ जी अगर आप लोगों को डायरेक्शन सेंस के अंदर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अब डिस्क्रिप्शन के अंदर डायरेक्शन सेंस का भी लिंक अवेलेबल है उसके अंदर माइक्रो कोर्स अवेलेबल है जिसके अंदर आपको डायरेक्शन सेंस पे बेस्ड डिटेल uh, में पूरे का पूरा uh, दो दिन वीडियो मिल जाएंगे और उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आपको लगता है कि हाँ जी इन क्वेश्चन को आप ईजिली कर पा रहे हो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है इन दैट केस आप जस्ट ना अपने जो कोर्स के अंदर जो डायरेक्शन सेंस का जो आज वाला लेक्चर है ये लेने के लिए हमने मैंने अभी आपको बताया कि हाँ जी जो प्रीवियस ईयर का उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो आपने करना है क्या है जस्ट कि वहाँ से अपने आप को रजिस्टर कर लेना और वहाँ पे आपको डायरेक्शन सेंस का लेक्चर ये एज इट इज मिल जाएगा ठीक है अभी वहाँ पे लेक्चर के साथ में ही आपको एक तो इसकी पी मिल जाएगी ठीक है और दूसरा वहाँ पे एक टेस्ट है ट्वेंटी क्वेश्चन का अब टेन क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया ट्वेंटी क्वेश्चन आप और कर लेंगे आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी डायरेक्शन सेंस क्लियर ओके यस सो इट वॉज आल फॉर टूडे थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर